उसका छीनने का आज भी नाज व्यशरे है शाबाश and a very warm good afternoon.
आज जो हम प्रोग्राम यहाँ पर रखे थे वो था कल्चर के ऊपर, ओके क्योंकि जैसे ही स्कूल पहले क्या होता था, जैसे ही स्कूल हमारा रीओपन होता था फर्स्ट डे, उसके बाद डायरेक्टली हम बच्चों को बुक्स से रिलेट कर देते थे ना, कोई उससे क्या होता था बच्चों के दिमाग में एक टाइप ऑफ प्रेशर बन जाता था, क्योंकि वो लोग को पहले से ही प्रेशराइज हो जाता था कि अभी हमें स्कूल जाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है बस। तो इस चीज को बच्चों के दिमाग से हटाने के लिए यहाँ पर 3 दिन का हमने प्रोग्राम रखा था, जिसमें कई चीजें हमने किया था ताकि बच्चे लोग जो है अपना जो भी प्रेशर होता है माइंड में स्टडीज के रिलेटेड उससे दूर हो जाए, ताकि वो लोग पढ़ाई को लेकर एंजॉय करते हुए वो आगे बढ़े। आज जो प्रोग्राम किया गया था वो हम सब ने देखा, काफी टीचर्स ने बहुत मेहनत किया और एक ही दिन में इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया, इसके लिए मैं टीचर्स को, वाइस प्रिंसिपल को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, और आप लोग उन सभी के लिए आपके लिए गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा और एक टाइप ऑफ एनर्जी आपके अंदर आया होगा स्कूल के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड। यानी पहले क्या था, स्कूल का कुछ और दिमाग में होता था जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते थे, लेकिन आई होप कि इस सब अरेंजमेंट से आपके दिमाग में जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे हट रहा हो। नेक्स्ट कहना चाहूंगी कि हम चाहे कि क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ, यस क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ, जो आधा ईमान को इंसान का होता है वो क्या है, क्लीनलीनेस है। इसीलिए इस पर भी एक प्रोग्राम रखा था हमने। और नेक्स्ट है आपका कल्चर, आप कहीं पर भी जाइए, चाहे आप दुनिया की किसी पे भी किसी कोने में भी जाइए आप, लेकिन आपको आपका कल्चर भूलना नहीं है। देखिए अभी 21st सेंचुरी आपका चल रहा है, उसमें भी यहाँ पे जो कल्चर हमने देखा, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा कल्चर इतना अच्छा है, इतना प्योर है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो टीचर